अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। तो आज मैं आपको 1 ईयर बेबी बॉय के लिए कुर्ता शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। व्यूवर्स, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक है। इसमें हम इजीली 1 ईयर बेबी के लिए कुर्ता शलवार तैयार करेंगे। व्यूवर्स, इस शर्ट पजामा से मैं मेजरमेंट लूँगी। अगर आपके पास कुर्ता शलवार की मेजरमेंट नहीं है तो आप भी शर्ट और पजामा से मेजरमेंट करके कुर्ता शलवार तैयार कर सकती हैं। तो पहले हम शर्ट की मेजरमेंट करेंगे। कपड़े को लंबाई में रखें। ये किनारी वाली साइड कपड़े की लंबाई होती है। कुर्ते के लिए लंबाई मेजर करेंगे तो इंचेस टेप यहाँ पर रखें। शर्ट की लंबाई से 4 इंच ज़्यादा कुर्ते की लंबाई रखेंगे। कुर्ते की लंबाई हमने 17 इंच रखनी है, इसलिए कपड़े पर 18.5 इंच रखेंगे। कपड़े की चौड़ाई में इस तरह शर्ट को कपड़े पर फैलाकर रखें और दोनों साइड से 1 इंच कपड़ा रखकर मार्क करें। और चौड़ाई के मार्क के मुताबिक इस तरह कपड़ा चौड़ाई में डबल करें और कुर्ते की लंबाई और चौड़ाई कटिंग करें। व्यूवर्स, अब ये हमारे पास कुर्ते की लंबाई और चौड़ाई है। सेंटर से दोनों पीस अलग अलग करें और दोनों पीसीस की अलग अलग लंबाई में तह लगाकर इस तरह से ऊपर नीचे रखें। शर्ट को भी फोल्ड करके ऊपर रखें। शोल्डर का मार्क बिल्कुल सिलाई के बराबर लगाएं, क्योंकि शर्ट का शोल्डर थोड़ा लूज होता है, इसलिए हमें सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ने की ज़रूरत नहीं। नीचे से आर्म होल के एंड पर मार्क करें। अब ऊपर शोल्डर वाले निशान के मुताबिक सीधी लाइन खींचकर स्क्वायर बनाएं, हल्की सी गुलाई करें। ऊपर शोल्डर से 1/2 इंच पर निशान लगाएं और इस तरह से तिरछा मार्क करें और कटिंग करें। कुर्ते की फिटिंग के लिए इस तरह शर्ट से तकरीबन 1/2 इंच लूज रखकर मार्क करें और यहाँ पर साइड चौक का निशान लगा लें। शर्ट की लेंथ के बिल्कुल एंड पर चौक का निशान लगाएंगे। अब फिटिंग के इस निशान के मुताबिक शर्ट के दूसरे पीस पर भी फिटिंग की मार्किंग करें। सिर्फ शर्ट का एक पीस लें, ऊपर से इस तरह 1/2 इंच तिरछा निशान लगाकर कटिंग करें। अब फिटिंग के निशान से स्टार्ट करें और आर्म होल की हल्की सी डीप मार्किंग करके कटिंग करें। अब नेक लाइन की मेजरमेंट करें। नेक लाइन की चौड़ाई 2 इंच लें, लंबाई 2.2 इंच लें, स्क्वायर बनाएं और इस तरह नेक लाइन की गुलाई करके कटिंग करें। व्यूवर्स, ये कुर्ते की फ्रंट साइड होगी। अब कुर्ते की बैक साइड को नीचे रखें, फ्रंट साइड ऊपर रखें और बैक नेक लाइन की मार्किंग करें। बैक नेक लाइन की लंबाई 1 इंच रखें, चौड़ाई सेम होगी। अब गुलाई करके कटिंग करें। व्यूवर्स, कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स की मेजरमेंट लेंगे। कपड़े को लंबाई में रखें, शर्ट से स्लीव्स मेजर करें। 9.5 इंच हैं। कपड़े पर हम स्लीव्स की लेंथ 11 इंच रखेंगे। अब 11 इंच पर मार्क करें। आर्म होल मेजर करें, 5 इंच हैं। कपड़े को लंबाई में डबल करें और 5 इंच के मुताबिक 6 इंच चौड़ाई रखें। अब इस निशान तक एक बाजू की चौड़ाई होगी। अब इसी निशान के मुताबिक कपड़ा डबल करें तो हमारे पास दोनों स्लीव्स का कपड़ा आ जाएगा। स्लीव्स की लंबाई चौड़ाई अलग करें। ऊपर शोल्डर की मेजरमेंट के लिए 1.5 इंच पर मार्क करें और ऊपर की तरफ गुलाई करते हुए यहाँ पर मार्किंग ख़त्म करें। अब कटिंग करें।
फिटिंग इस तरह से स्लीव्स के मुताबिक शर्ट से थोड़ा लूज रखकर मार्किंग करें। और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करें। ऊपर शोल्डर पर भी सेंटर में हल्का सा कट लगाएं। व्यूअर्स, अब हम शलवार की कटिंग करेंगे, तो कपड़े को लंबाई में रखें और अरेब निकाल लें। अब पजामे से लंबाई मेजर करेंगे। पजामा की लंबाई 16 इंच है। कपड़े पर लंबाई में 18.5 इंच पर मार्क करें। कपड़े की 4 तह लगाएं। लंबाई की कटिंग कर लें। पजामा यहां से मेजर करें, 6 इंच है, लेकिन हमें शलवार पजामे से काफ़ी ज़्यादा खुली रखनी है, इसलिए मैं ये कपड़े की सारी चौड़ाई रखूँगी। ये चौड़ाई तकरीबन 9 से 10 इंच होगी। अब पजामा इस तरह से डबल करके कपड़े पर रखें, पाइंचा 5 इंच रखें। यहाँ तक इलास्टिक की फोल्डिंग होगी और यहाँ तक आसन आएगी। अब पजामा के निशान से इस आसन के निशान तक स्केल को तिरछा रखें और शलवार की शेप दें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर बाकी कटिंग कर दें। आसन के ऊपर से इस तरह से हल्की सी शेप दें। व्यूअर्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आसन स्ट्रेट ही रहने दें। इस कटिंग से शेप अच्छी बनती है। आसन की इस कटिंग के मुताबिक सिलाई भी इसी तरह नीचे से गुलाई में आएगी। व्यूअर्स, शलवार की कटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। आप स्टिचिंग करते हैं तो पहले कुर्ते की फ्रंट साइड लें, प्रेस करके सेंटर लाइन बनाएं। अब बुकरम पर 6 इंच लंबी 2 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करें। इसकी भी डबल करके सेंटर लाइन बनाएं। अब कुर्ते और बुकरम की पट्टी का सेंटर बराबर करते हुए इस तरह नेकलाइन के थोड़ा ऊपर करके बुकरम पेस्ट करें। बुकरम नेकलाइन के बिल्कुल बराबर नहीं पेस्ट करना, थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए। अब ऊपर से एक्स्ट्रा बुकरम कटिंग कर दें। सेंटर में एक लाइन बनाएं, नीचे से 1 इंच पर मार्क करें। अब सेंटर से इस मार्क तक कटिंग करें। अब बुकरम के मुताबिक थोड़ी थोड़ी ज्यादा छोड़कर कपड़े की पट्टी कटिंग करें। पट्टी को डबल करके कट के बराबर पर निशान लगाएं। और कपड़े की पट्टी भी इस कट के बराबर तक कटिंग करें। ये इस तरह से नीचे से कट बराबर करते हुए स्टिच होगी। अब नेकलाइन के बटन लूप्स बनाने के लिए अरेब पट्टी कटिंग करेंगे, तो कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल शेप में लाएं और सेंटर से कटिंग करें। अब ये दोनों पीस अरेब में हैं, 1 इंच चौड़ाई रखकर कटिंग करें। अब शलवार के पाइंचों पर बुकरम पेस्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने बुकरम पर 1 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग की है। इसे हम पाइंचे के नीचे से फोल्डिंग की गुंजाइश छोड़कर पेस्ट करेंगे। साइड से एक्स्ट्रा बुकरम पट्टी कटिंग कर दें। पहले हम लूप्स की डोरी तैयार करेंगे, तो अरेब पट्टी को दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करें और फिर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं। सिलाई करते हुए कपड़े को हल्का हल्का खींचते जाएं, इससे डोरी बारीक बनेगी। व्यूअर्स, ये इस तरह से लूप्स गुलाई में बनेंगे। अब कुर्ते की स्लिट बनाते हैं। नीचे से कट बराबर करते हुए एक पैर के फासले से सिलाई लगाएं। नीचे से इस तरह चौकोर शेप दें। अब यहां कॉर्नर में तिरछे कट लगाएं।
कपड़े को अंदर की तरफ पलटकर प्रेस करें और एक पैर के फासले की सिलाई लगाएं। अब अंदर वाले कपड़े को बुकरम के बराबर तक फोल्ड करके तुरपाई कर लें। थ्री इंच चौड़ी पट्टी फोल्ड करें। लंबाई इस स्लिट के मुताबिक रखें। ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से साइड से सिलाई लगाकर बंद करें। अब इसे स्लिट के अंदर रखें, ऊपर से थोड़ी सिलाई की गुंजाइश छोड़ें और ये इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ पर मार्क करें। और अब इस मार्क के ऊपर हम लूप्स अटैच करेंगे। जितना आपके पास बटन है उसके मुताबिक लूप्स बनाएं। मैं 2 इंच के लूप्स कटिंग करूँगी और इस तरह मार्क पर थोड़े फासले पर अटैच करें। अब ये पट्टी ऊपर से थोड़ा फासला छोड़कर अटैच करें। नीचे से यहाँ तक सिलाई लगाएं और बाकी हिस्सा खुला रहने दें ताकि पहनने में आसानी रहे। अब बैक साइड लें और शोल्डर की सिलाई लगाएं। बाहर भी कपड़ा फ्रंट साइड पर करते हुए एक पैर की सिलाई लगाएं। अब स्लीव्स फ्रंट से फोल्ड करें। शोल्डर की सिलाई से स्लीव्स का कट मिलाएं और सेंटर से स्लीव्स अटैच करना स्टार्ट करें। इस तरह थोड़ा थोड़ा पकड़कर गुलाई में लाते हुए स्लीव्स की सिलाई लगा लें। अब दूसरी साइड की सिलाई लगाएं। अगर साइड पर कपड़ा एक्स्ट्रा बचे तो बराबर बचेगा, इसे कटिंग कर दें। अब यहां पर भी बाहर की सिलाई लगाएं। इसी तरह दूसरा स्लीव भी अटैच कर लें। अब फिटिंग करें। यहां पर इस तरह से टर्न लें और सिलाई लगाएं। अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करें। यहाँ पर हल्के हल्के कट लगाएं। दामन फोल्ड कर लें। साइड चाक फोल्ड करें। मुझे बैक नेक लाइन थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ी सी कटिंग और करूंगी। अब 1.5 इंच चौड़ी रेप पट्टी कटिंग करें। और इसे इस तरह डबल करें और फ्रंट से फोल्ड करके एहतियात से लगाते जाएं। Thank you.
अब नीचे वाला कपड़ा ऊपर की तरफ करते हुए फोल्ड करें और यहाँ सेंटर में सिलाई लगाएं। इसी तरह आप बच्चियों की फ्रॉक पर भी पाइपिंग कर सकती हैं। अब बटन अटैच करेंगे। वीवर्स लूप्स बटन के मुताबिक टाइट होने चाहिए ताकि इस तरह थोड़ा खींच कर बंद हो, बटन आसानी से ना खुले। हमारा कुर्ता तैयार है, आइए अब शलवार स्टिच करते हैं। पहले दोनों साइड से आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई में ऊपर नेफा बनाने के लिए एक साइड का कोना इस तरह फोल्ड करते हुए आसन की सिलाई लगाएं। अब एक एक्स्ट्रा कपड़े पर एक पट्टी बुकरम से थोड़ी ज्यादा चौड़ी कटिंग करें और इतना कपड़ा अंदर करते हुए किनारी की सिलाई लगाएं। अब कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बुकरम के दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएं। इस तरह पाइंचे की तिरछी शेप दें और सिलाई लगाएं। सलवार के अंदर हल्के हल्के कट दें। व्यूवर्स कुर्ता और सलवार तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और उर्दू गर्ल्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।